माइलेज बढ़ के ही रहेगा आज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलीम की गली। और आज मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, मैंने अपनी सेंट्रो का माइलेज कैसे बढ़ाया, और इसके साथ ही आपको बताऊंगा नई क्लच प्लेट मैंने कहां से ली है और कितने की पड़ी है, और इसे इंस्टॉल कराने में टोटल कितना खर्च आया है। तो दोस्तों, ये मंगाया मैंने क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट अपनी हुंडई सेंट्रो के लिए। मेरी सेंट्रो जो है माइलेज थोड़ा कम दे रही है काफी दिनों से, तो मैंने ये मार्केट में पता किया। उन्होंने मुझे बताया, किसी ने 2000 बताया, किसी ने 2100 बताया, तब जाके मैंने ऑनलाइन अमेजोन से ये परचेस किया है। और मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके ले सकते हो अगर आपको जरूरत हो तो। वैसे तो अभी मैंने खोल के देखा नहीं, बाकी देखता हूँ खोल के, अगर अच्छी लगी तो ठीक है, मैं डलवा लूंगा अपनी गाड़ी में, नहीं तो इसको रिटर्न भी कर सकता हूँ। ओरिजिनल क्लच प्लेट मंगाई है मैंने, बाकी खोलने के बाद पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है या ऐसे ही कोई भेज दिया डुप्लीकेट। इसका मंगाने का रीजन यही है कि गाड़ी का माइलेज बढ़े और पिकअप भी अच्छा खासा मिले मुझे। तो सबसे पहले करते हैं इसको अनबॉक्स, इससे काम चल ही जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका बिल दिखा देता हूँ। वैसे आज तक मैंने जो भी प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाए हैं उसका बिल ऐसा नहीं आया है जैसा इसका दिया हुआ है, थोड़ा अजीब टाइप का बिल है, देख लेते हैं पहले। ये बिल आया है इसका दोस्तों, मुझे ये अमेजोन से पड़ी है 1550 रुपये की। फिलहाल इस बिल को रखते हैं एक साइड पे और देख लेते हैं मेन कंटेंट क्या है हमारा। तो इसलिए पहले ये सारी टिक काट लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा हमें एक बॉक्स के अंदर फिर एक बॉक्स आया है, इसको साइड फेंकते हैं। मैंने वैल्यू कंपनी की ऑर्डर की थी, और आपको भी मैं बता दूं, अगर आपको कभी भी लेनी है तो वैल्यू की जेन्युइन कंपनी होती है, इसे ही परचेज करना, बाकी और कोई अदर कंपनी मत लेना, क्योंकि वो इतनी कोई खास नहीं होती। ये मुझे जो कार मैकेनिक होता है उसी ने ही बताया था। खोल के देख लेते हैं इसको भी। ये हमारा निकला मेन कंटेंट, बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है, इसको भी रखते हैं साइड। सबसे पहले तो इसका मैनुअल कार्ड मिलता है, कार्ड पे ही लिखा हुआ है वैल्यू, पर हम अपनी क्लच प्लेट पे भी चेक करेंगे, उस पे भी लिखा होता है। ये है हमारी क्लच प्लेट, इसको भी रखते हैं साइड पे। और मेन कंटेंट है हमारा ये प्रेशर प्लेट, काफ़ी वेट है वैसे इसमें प्रेशर प्लेट में। और ये देख सकते हो इसका वैल्यू का लोगो, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो तभी वो पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है या लोकल है। पूरा सेट होता है ऐसे क्लच प्लेट का। इस क्लच प्लेट को अब मैं लेके जाऊंगा मैकेनिक के पास, इसको लगवा के आपको बताऊंगा कि गाड़ी का माइलेज बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पहले मैकेनिक के पास, और मेरे साथ जा रहा है मेरा दोस्त सुहेल, ये इसकी शक्ल भी देख लो। फिलहाल हम जा रहे हैं मनी माजरा मोटर मार्केट, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहीं जाके मुझे अपनी गाड़ी में क्लच प्लेट डलवानी है। तो दोस्तों, मैकेनिक लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है, ये देख सकते हो 3-4 मैकेनिक एक साथ लगे हुए हैं इसमें। इधर का भी टायर खुला हुआ है और उधर का भी एक नीचे लगा हुआ है, और काम चल रहा है पूरा जोरों शोरों से। ये देखिए एक नीचे भी लेटा हुआ है। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, अगर आप भी ऐसा कुछ काम करवाने वाले हैं अपनी गाड़ी में, तो कम से कम 4-5 घंटे के लिए आपको फ्री होना पड़ेगा, तभी ये काम करवा सकते हैं, क्योंकि क्लच प्लेट डालने में काफ़ी समय लगता है। और ये देखिए पुरानी क्लच प्लेट का क्या हाल हो चुका है, जो गाड़ी में से निकली है ये पूरी घिस चुकी है, देखो इसके ऊपर बिल्कुल भी जो लेदर होती है वो है ही नहीं है। और मिस्त्री लोगों को काम करते करते काफ़ी देर हो चुकी है, अंधेरा भी होने लगा है। और ये मेरा गरीब दोस्त बैठा है इधर, ये देख। हाँ भाई, कैसे बैठा है, बोर हो गया बैठे बैठे? चल कोई नहीं, बस होने वाला काम। और ये गेयर ऑयल कुछ आधुनिक यंत्र के द्वारा ऊपर चढ़ा रहा है ये मिस्त्री। पता नहीं क्या गोल गोल घुमा के और ये पाइप से गेयर ऑयल डाल रहे हैं। और दोस्तों, टाइम काफ़ी हो चुका है और अब काम लगभग पूरा हो ही गया है, ये लास्ट में बस टायर लगाने वाले हैं मिस्त्री लोग, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या रिजल्ट आया। दोस्तों, हमारी गाड़ी का काम पूरा हो चुका है, और मैंने ट्राई भी लेके देख लिया, परफेक्ट काम कर रही है क्लच प्लेट। क्लच भी बहुत सॉफ्ट हो चुका है, पहले बहुत हार्ड था क्योंकि क्लच प्लेट घिस चुकी थी, जो कि मैंने आपको दिखा दी थी वीडियो में। और दोस्तों, मैंने इसका माइलेज भी टेस्ट करके देख लिया है, आपको वो वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी। दोस्तों, मैंने इसका माइलेज फिलहाल सिटी में ही ट्राई किया है, तो क्लच प्लेट डलाने से पहले मुझे सिटी में ये
नौ दस का एवरेज दे रही थी, दस का भी मुश्किल से ही देती थी, पर नौ का ही एवरेज मिलता था मुझे ज्यादातर। और दोस्तों मैंने इसे सिटी में ही ट्राई की है, अभी हाईवे पे तो मैं गया नहीं हूँ, और सिटी में इसने मुझे क्लच प्लेट डलवाने के बाद 14 का माइलेज दिया है, और हाईवे पे जिस दिन ट्राई करूंगा उस दिन देखते हैं कितना मुझे देती है, पर यह है कि मेरा 4-5 का माइलेज बढ़ चुका है क्लच प्लेट डलवाने के बाद। और दोस्तों मैकेनिक के पास जब मैं गया तो उसने मुझे बताया 1500 रुपए, फिर मैं दूसरे के पास गया उसने मुझे 1200 रुपए बताया, क्योंकि मोटर मार्केट में बहुत सारे मैकेनिक बैठे हुए हैं, आप एक के पास जाके ही ना डलवाएं, ट्राई करें एक के पास जाए फिर दूसरे के पास जाए, ऐसे ही ट्राई करें। फिर मैं तीसरे के पास गया उसने मुझे 1000 रुपए बताया, तो मैंने उससे भी बार्गेनिंग की, तो 900 में हमारी बात तय हो गई, तो 900 रुपए लगे मेरे क्लच प्लेट डलवाने के, 1550 रुपए की पड़ी मुझे क्लच प्लेट, टोटल खर्च आया मेरा 2650 रुपए, और गाड़ी एकदम मस्त हो चुकी है, पिकअप एकदम हाई हो चुका है और माइलेज भी इसका बढ़ चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।